16 अप्रैल को ये 8वां थिएटर ओलंपिक्स जो देश भर में चल रहा है, देश के 16 शहरों में कुछ में हो चुका, कुछ में चल रहा है और कुछ में शुरू होने वाला है। जम्मू भी उनमें से एक शहर है, इसमें भी 22 मार्च से शुरू होगा थिएटर, 8वां थिएटर ओलंपिक्स का जम्मू एडिशन, और 1 अप्रैल को जाकर समाप्त होगा। अभिनय थिएटर में होगा शाम को 6 बजे से। और इस फेस्टिवल के बारे में खास बात यह है कि ये देश के 17 शहरों में हो रहा है और इसमें लगभग 1300 परफॉर्मेंसेस कुल, जो प्रोडक्शन मैन स्क्रीन प्रोडक्शन है उसके अलावा जो एम्बियंस परफॉर्मेंसेस हैं और फोक परफॉर्मेंसेस हैं, लगभग 1300 इस तरह की परफॉर्मेंसेस इसमें हो रही हैं। और इसमें लिविंग लीजेंड के जो हमारे 60 प्रोग्राम हैं, जो देश के बड़े बड़े गुरु हैं, उनको अलग अलग शहरों में उनके लिविंग लीजेंड प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया है। मास्टर क्लासेस इसमें कंडक्ट की जा रही हैं, इंटरफेस करके जो किसी एक जानी मानी हस्ती के साथ लोगों को और नए थिएटर के नौजवानों को जो है उनको रूबरू कराया जाता है, तो इंटरफेस का प्रोग्राम है और नेशनल सेमिनार्स और इस तरह की चीज़ें भी इसमें हो रही हैं। लगभग 25,000 कलाकार देश और विदेश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ख़ास तौर से उस तरह के कलाकार जो हिंदुस्तान में पहली बार, जो दुनिया के जाने माने लोग हैं थिएटर के, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जम्मू में जो प्रोडक्शन हैं इसके, वो बहुत ही चुनिंदा किस्म के प्रोडक्शन हैं, जिसमें रतन थ्याम जी से लेकर नादरा बबर जी से लेकर मनोज जोशी, के रैना और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे हमारे सीनियर सौरभ शुक्ला और इस तरह के, जैसे अरुंधति नाग, तो ये सब इस तरह के सीनियर डायरेक्टर्स का काम जो है इसके अंदर यहाँ जम्मू में दिखाया जा रहा है। और जम्मू में मुझे लगता है कि सारे प्रोडक्शन पहली बार इस तरह के प्रोडक्शन जो है वो जम्मू के अंदर इस फेस्टिवल के लिए शेड्यूल किए।